नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, दसवीं क्लास के प्रिय मेरे स्टूडेंट छात्र छात्राएं, आदर्श ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत। तीसरा पाठ का मैंने दो चैप्टर करवा दिए हैं। आज तीसरा चैप्टर से आपको पता है 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बड़ा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि 1857 की क्रांति आ सकता है यहाँ से बड़ा प्रश्न, क्योंकि ये पार्ट 6 नंबर का ही है और 6 नंबर का यहाँ से क्या आ सकता है क्वेश्चन आ सकता है कि आपको पूछ सकते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष का स्वरूप क्या था, 1857 की क्रांति के कारण क्या थे, 1857 क्रांति के परिणाम क्या थे और इसको किसने क्या क्या इसका क्या कहा था ये और कहाँ किन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि एक प्रश्न बनता है कि 1857 की जो क्रांति थी ने, इसका आपको ध्यान में रखना है कि 1857 की क्रांति से पहले कुछ विद्रोह हो चुके थे। जैसे मान लो मैं बात करूँ 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ था, वेलोर का विद्रोह। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। यदि ये छोटे मोटे विद्रोह नहीं होते, इन्हीं विद्रोह ने 1857 की क्रांति के अग्नि के बीज प्रज्वलित कर दिए थे। तो आपको बताए 1806 में वेलोर का विद्रोह हुआ, 1824 में आपको पता है बेरकपुर का विद्रोह हुआ। इन्हीं विद्रोह ने आपको बताया आगे चलकर 1857 की क्रांति के बीज बो दिए थे। तो आपको 1800 का वेलोर विद्रोह ये पूछा जा सकता है, 1824 का बेरकपुर विद्रोह, 1831 और 32 में आपको पता है कोल विद्रोह। बहुत शानदार टॉपिक है। उसके बाद में आपको पूछा 1855 और 56 में संताल विद्रोह। इन्हीं विद्रोह ने आगे चलकर आपको बताया 1857 की क्रांति के अग्नि के बीज प्रज्वलित कर दिए थे। तो इसी विद्रोह को आपको ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति से पहले ये विद्रोह हुए थे, इस चीज़ को आपको ध्यान करना है। इन्हीं विद्रोह ने आगे धीरे धीरे चलकर अग्नि प्रज्वलित कर दी थी और ये विद्रोह 1857 की क्रांति में क्या हो गया, तब्दील हो गया। तो 1800 का वेलोर विद्रोह हुआ, 1821 में बेरपुर का विद्रोह हुआ जो पश्चिम बंगाल में है, 1831-32 का कोल विद्रोह हुआ था और 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था बिहार में। इन्हीं विद्रोह ने आगे चलकर 1857 की क्रांति के बीज बो दिए थे, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद में चलता हूँ, आपको 1857 की क्रांति का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको बताएं 29 मार्च 1857 में बेरकपुर में क्रांति की शुरुआत हुई थी या चिंगारी शुरुआत हुई थी, इसका श्रेय आपको पता है मंगल पांडे को जाता है। लेकिन ये आपसे पूछना है तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि 29 मार्च 1857 बेरकपुर की छावनी से इसकी चिंगारियाँ उठ गई थी, लेकिन वास्तविक शुरुआत यहाँ से नहीं मानी जाती है। तो मंगल पांडे को इन्होंने आपको पता है चिंगारियाँ का वास्तुकार माना जाता है। उसके बाद में देखो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है पहला, एक नंबर में भी पूछें 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, यूपी से, ये ध्यान में रखना है। 1857 की क्रांति की शुरुआत आपको बताएं 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। उस समय में वाइसराय कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है लॉर्ड कैनिंग थे। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुई थी और आपको पता है तांत्या टोपे ने उन्होंने 1857 की क्रांति की थी, लेकिन होनी कब थी, ये 1857 की क्रांति समय से पहले हो गई इसलिए भारतीय पराजित हो गए थे। 1857 की क्रांति 31 मई 1857 को होनी थी, लेकिन समय से पहले होना, 1857 की क्रांति में भारतीयों का हारना एक मतलब लाजवाब लग रहा था। तो आपको बता 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ यूपी से हुई, उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ की आपकी कॉपी कर लेना। और उस समय में आपको ये पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत तो 10 मई 1857 मेरठ यूपी से, उस समय में वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग उस समय में वायसराय था। और आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि उस समय में प्रधानमंत्री कौन था, 1857 की क्रांति के समय में, 1857 की क्रांति के समय में पीएम
इंग्लैंड का पीएम कौन था? तो ये आपको ध्यान में रखना है, पीएम लॉर्ड पामस्टर्न था। मतलब इंग्लैंड का 1857 की क्रांति के समय में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न था। और आपको पता है इसका प्रतीक चिन्ह था, आपको पता है, कमल का फूल, फूल और चपाती, फूल और चपाती, फूल और चपाती था। और आपको ये भी पूछा जा सकता है फूल और चपाती उस दिन वार क्या था, तो आपको पता है उस समय में रविवार था। उस दिन जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय में कौन सा वार था? रविवार था। 1857 की क्रांति समय पीएम लॉर्ड पामस्टर्न था, वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती, उस समय में वार क्या था? रविवार। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और 1857 की क्रांति के बारे में ये चीज़ आपको एकदम विशेषता ध्यान रखनी है कि कहाँ हुई, किन किनों ने कहाँ नेतृत्व किया। आपको पता है, आपको पता 1857 की क्रांति के बारे में बहुत लोगों ने तर्क दिया था कि 1857 की क्रांति, देख मैं बात करूँ, आपको पता है सीले और लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी। सीले और लॉरेंस ने 1857 की क्रांति को कुछ संज्ञा दी? सैनिक विद्रोह की संज्ञा। और यदि मैं बात करूं डिजरेली, एक मतलब ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। और आपको पता है रिज नाम का इतिहासकार भी हुआ था, आर ए रिज, रिज ने कहा था कि 1857 की क्रांति ईसाइयों के धर्म के विरुद्ध है। तो अलग अलग विद्वानों ने, और वीडी सावरकर ने, जो हमारे भारतीय क्रांतिकारी रहे हैं, वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति को सुनियोजित प्रथम क्या कहा था? स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो ये आपको पता है मोटा मोटे चीज की याद रखनी है। और मेन ये आपको ध्यान में रखना है, राजनीतिक कारण भी थे 1857 की क्रांति के, कई कारण थे। आर्थिक कारण, कि अंग्रेजों ने भारतीय उद्योग धंधों को चौपट कर दिया, हस्तशिल्प को चौपट कर दिया, और उन्होंने फूट डालो राज करो की क्या अपनाई नीति अपनाई। ये तो था आर्थिक कारण, मतलब भारतीयों को उस समय में आपको पता है 9 रुपए मिलता था। अंग्रेज इतना शोषण करते थे कि भारतीयों के इतने रुपए, 9 रुपए, और अंग्रेज 90 रुपए मासिक वेतन लेते थे। और भारतीयों को ऑफिस में यहाँ तक लिख दिया था कि अंग्रेज जब जाते थे, मतलब आपको पता है घोड़े से उतर कर घोड़े पर, तो अंग्रेज जब तक निकलते नहीं अपने रास्ते से तब तक आपको पता है भारतीय लोग उसको सलामी करते थे, सावधान मुद्रा में रहते थे। और ऑफिस के आगे अंग्रेजों ने लिख दिया अपने कि भारतीय कुत्तों को यहाँ पर प्रवेश करना क्या है वर्जित। मतलब उन्होंने अत्याचार किया हर तरह से, लेकिन फिर भी हमने हमारे समय से पहले होना हमारे क्रांति का एक पराजय का सामना करना पड़ा। यदि सही समय पर 1857 की क्रांति होती पराजित नहीं होते। और दूसरी बात ये भी थी इसका कारण, पराजित होने का कारण, कि भारतीय लोग कुछ रिश्वतखोर थे, वो अंग्रेजों ने पैसे डाला और भारतीय लोग अंग्रेजों की सेना में चले गए। और ऐसा भी नहीं कि उस समय में लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्टर ऑफ लैप्स, राज्य हड़पने की क्या अपनाई थी? नीति अपनाई थी। और लॉर्ड वेलेजली ने भी एक नीति अपनाई थी, साइक संधि, जो 1798 में अपनाई थी, और हैदराबाद को सबसे पहले हड़पा। और डलहौजी ने जितने भी प्रांत थे जैसे सतारा, जबलपुर, उदयपुर, बघाट, अवध, इनको हड़प लिया था। और अवध को उन्होंने कुशासन का आरोप लगा दिया था, कुशासन के आरोप पर 13 फरवरी 1856 को कुशासन के आरोप पर आपको पता है अवध को लॉर्ड डलहौजी ने क्या कर लिया था? हड़प लिया था। अब देखिए बहुत शानदार रोचक टॉपिक है, कहाँ कहाँ किसका नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको बताया 1857 की क्रांति में कानपुर में नाना साहब तांतिया टोपे थे, दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खान था, और अवध में बेगम हजरत, लखनऊ कह दो, अवध कह दो, अवध पहले कहते थे आजकल लखनऊ कहते हैं, तो अवध में बेगम हजरत महल थी, हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। और कहाँ भी गए, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता आया करती थी, झांसी वाली रानी थी खूब लड़ी मर्दानी। तो ये 1857 की क्रांति के समय में थे। और दिल्ली में, और मैं बात करूँ फैजाबाद में मौलवी हमदुल्ला था, हैं हमारे असम में मणिराम जी थे। ये 1857 की क्रांति का अंग्रेजों का उन्होंने मुंह तोड़ क्या किया, जवाब किया था। और वी डी सावरकर ने एक पुस्तक भी लिखी थी इससे संबंधित, द इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ वार। और एक अशोक मेहता भी रहे हैं जिन्होंने द ग्रेट रिबेलियन 1857 के ऊपर लिखा था, और आर सी मजुमदार ने दी शिपोइन ऑफ 1857 लिखे थे। और हमारे भारतीय दो इतिहासकार भी रहे, एक सुरेंद्र सेन थे, एक हमारे आर सी मजुमदार थे। और सुरेंद्र सेन तो हमारे सरकारी इतिहासकार थे 1857 की क्रांति में। तो ये इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा मैंने बताया। अब शुरू करते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। और आपको पता है मोदी ने अभी एक घोषणा भी की थी पीछे
कि 1857 की क्रांति को प्रथम विद्रोह नहीं माना जाए। मोदी ने कहा कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं माना जाए, उसकी जगह 1806 के विद्रोह माना जाए। क्यों? क्योंकि आपको पता है 1806 के विद्रोह से ही आगे चलकर 1857 की क्रांति हुई थी, नहीं तो 1806 का वेलोर विद्रोह नहीं होता तो 1857 की क्रांति कभी नहीं होती। तो 1857 की स्वतंत्रता संग्राम को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 से पूर्व लगातार 100 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय प्रांतीय राज्यों, देशी रियासतों, किसानों, जनजातीय प्रतिरोध सहन करना पड़ा। लेकिन 1857 में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों को संगठित विरोध का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और आपसी फूट का लाभ उठाकर इस प्रतिरोध का विफल कर दिया था। अंग्रेजों ने क्या किया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई और इसका इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर क्या किया था, प्रयास किया था। तो हम कहेंगे कि लेकिन 1857 में अंग्रेजों को पहली बार भारतीयों को संगठित का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति अपनाई, मतलब चालाक रची उन्होंने। एक और मैंने इसका कारण पूछा जा सकता है कि 1857 का मुख्य कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था। तो आपको पता है 1857 की क्रांति का तात्कालिक मुख्य कारण था क्योंकि एक राइफल थी, एनफील्ड राइफल। उस एनफील्ड राइफल पर गाय और सुअर की क्या लगा दी, चर्बी लगा दी, ताकि भारतीय उन कारतूसों को मुंह से खोलेगा नहीं तो धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे भी उन्होंने, ये मुख्य कारण था 1857 की क्रांति का, मुख्य कारण यह था कि एनफील्ड जो राइफल थी ना, उस एनफील्ड राइफल का गाय और सुअर की चर्बी के क्या लगा दिया गया था, लेपन कर दिया गया था। इसलिए भारतीय लोग यदि मुंह से खोलेंगे तो उनका धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने पहली बार भारतीयों को संगठित विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति और आपसी फूट का लाभ उठा लिया, फूट डालो राजगुरु की नीति अपनाई, उनको अपनी नीति में परिवर्तन लेकर क्या होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। अब देखिए, अब आ रहा है 1857 का स्वतंत्रता स्वरूप। भाई इसको प्रथम स्वतंत्रता के संग्रह के बारे में क्या कहा गया था, देखिए बहुत शानदार टॉपिक है। अलग अलग मैंने आपको अभी बताया, इसके अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा दी कि 1857 की क्रांति को हमें कहें तो इस स्वतंत्रता संग्राम का नाम क्या था, इसको किस किस 1857 की क्रांति को किस किस नामों से जाना गया था। तो मैंने बताई दिया 1857 की क्रांति को वीडी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, और आपको पता है सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। यदि मैं बात करूँ होम्स ने, तो होम्स ने इसे सैनिक षड्यंत्र कहा, किसी एक मैट्रिम ऑफ आउटरम भी था जिन्होंने कहा यह मुस्लिमों के प्रति का है, षड्यंत्र है। तो इस तरह से इन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्या दी, संज्ञा दी थी। और भी कहें तो कुछ लोगों ने इसे 1857 को न तो राष्ट्रीय विद्रोह बताया, न नियोजित विद्रोह बताया, कि यह तो सैनिकों के षड्यंत्र, मुस्लिम षड्यंत्रों का यंत्र है। इस प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के स्वरूप के बारे में तो मैंने आपको बताया, दो इसकी पुस्तक याद रखनी है, एक तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह पुस्तक आपको पता है किसकी है, यह पुस्तक वीडी सावरकर की है, वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जिसके पूरा नाम कहते हैं। एक पुस्तक, दो पुस्तक परीक्षा में पूछी जाती है परीक्षा में, एक और है द ग्रेट रिवेलियन, ये भी पुस्तक है। ये 1857 की क्रांति में लिखी थी अशोक मेहता की पुस्तक है। ये दोनों पुस्तकों को आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है कि इन्हीं पुस्तकों को मद्देनजर रखते, एक और थी आरसी मजूमदार ने लिखा था द सिपॉय ऑफ 1857। सुरेंद्र सेन भी एक हमारे इतिहासकार रहे, सरकारी इतिहासकार, इन्होंने भी 1857 की क्रांति में सरकारी इतिहासकार का दावा प्रस्तुत किया था। ये चीजें आपको, ये दो पुस्तकों की, वीडी सावरकर ने कहा था कि प्रथम स्वतंत्रता, इंडियन इंडिपेंडेंस ऑफ वार, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की, इसे 1857 की क्रांति को सुनियोजित संग्राम की क्या दी जाए, संज्ञा दी जाए। अशोक मेहता ने इसे द ग्रेट रिवेलियन की क्या दी थी, उपाधि दी थी। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रथम स्वतंत्रता स्वरूप किस विद्वानों ने क्या क्या कहा, तो आपको इसमें परिभाषाएं आएगी। विद्वानों में मतभेद चला कि 1857 की, किसी ने तो कहा कि सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, किसी ने कहा यह सैनिक षड्यंत्र था, किसी ने कहा यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्म का विरुद्ध था, किसी ने कहा यह सिपाही विद्रोह था। मतलब अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसकी क्या दी थी, परिभाषाएं, मतभेद कहा। अब देखिए सबसे पहले कि यूरोपीय इतिहासकार, सबसे पहले यदि बात करें यूरोपीय इतिहासकारों के, यूरोपीय या अंग्रेज इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह, आपको कई बार क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं, आठवीं की एनसीईआरटी जो किताबें हैं उसमें दे रखा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ, क्योंकि आजकल ज्यादा लोग किस तरह से प्रश्न को रट रखा है 1857 की क्रांति, कोई जरूरी नहीं है
जो 1857 की क्रांति देवो वो आपको ये पूछ सकता है कि प्रथम सिपाही विद्रोह कब हुआ था, या ऐसे प्रश्न को थोड़ा घुमाते हैं, सिपाही विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था, तो आपको पता है सिपाही विद्रोह 1857 की क्रांति को कहते हैं, उस समय में वायसराय कौन था, आपको पता है लॉर्ड केनिंग था। तो यूरोपीय इतिहासकारों ने इसी सिपाही विद्रोह का, और सिपाही विद्रोह कब हुआ था 1857 में, और वायसराय कौन था आपको पता ही है, वायसराय मैंने बता ही दिया, वायसराय था लॉर्ड केनिंग। इस प्रश्न को घुमा सकते हैं, देखो 1857 से पहले भारत का पहला वायसराय भी था ये, और भारत का पहला गवर्नर जनरल भी था। और यदि इस प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दें, वायसराय पद कब आया, वायसराय पद आपको बताया 1857 में तो नहीं आया था, 1858 का एक अधिनियम हुआ था, 1858 का अधिनियम में आपको बताया गवर्नर शब्द तो हो गया लुप्त, और उसकी जगह कौन सा आ गया, वायसराय शब्द आ गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि 1857 की क्रांति के समय में, सिपाही विद्रोह के समय में भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड केनिंग था। वायसराय भी इसी को कहेंगे, गवर्नर भी इसी को, प्रथम गवर्नर यही था और वायसराय भी प्रथम ही था। और 1858 का जब अधिनियम आया उस समय में महारानी आपको बताया ब्रिटेन की, क्योंकि 1857 में तो आपको बताया ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था लॉर्ड पॉमरस्ट्रॉन, 1858 में चेंज हो जाता है, 1858 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन जा महिला बनती है महारानी विक्टोरिया। विक्टोरिया आने के बाद में महारानी जब विक्टोरिया आती है तो गवर्नर शब्द लोप हो जाता है और वायसराय शब्द आ जाता है। तो इस चीज को थोड़ा आपको समझना है, उसके बाद में देखिए आपको। तो 1857 की क्रांति के यूरोपीय अंग्रेजी इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह का इसी सामंती प्रतिक्रिया मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। भाई 1800 यूरोपीय अंग्रेजों ने या इन इतिहासकारों ने क्या बताया कि ये मुस्लिम षड्यंत्र है, ये सिपाही विद्रोह है, ठीक है, और वायसराय कौन था, लॉर्ड केनिंग था। कहते हैं कि लॉर्ड केनिंग के समय में, एक और ध्यान रखना, लॉर्ड केनिंग के समय में 1861 में आपको पता है विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी। विभागीय, बहुत शानदार क्वेश्चन है, विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको चीज समझनी है। तो 1857 की क्रांति के समय में विभागीय प्रणाली, पहले क्या होता था एक ही विभाग होता था, उसके बाद में विभाग बंट गए, कृषि विभाग अलग बना दिया, रेलवे विभाग अलग बना दिया, हैं, वित्त विभाग अलग बना दिया। ये किसके समय हुआ था, लॉर्ड केनिंग के समय हुआ था। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, एक बार प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसके समय में विभागीय प्रणाली की शुरुआत हुई, तो उत्तर हो जाएगा लॉर्ड केनिंग, ठीक है। तो उसके बाद में आपको पता है अंग्रेजी और यूरोपीय, अंग्रेज और यूरोपीय इतिहासकारों ने इसे मुस्लिम षड्यंत्र की क्या दी, उपाधि दी। तो इस चीज को आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद में चलते हैं, देखिए अंग्रेजी यूरोपीय इतिहासकारों ने सिपाही विद्रोह का, सिपाही विद्रोह समझाना 1857 की क्रांति को कहते हैं, सामंती प्रतिक्रिया तो मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। वहीं भारतीय इतिहासकार विद्वानों का मानना है ये सैनिक असंतोष से प्रारंभ हुआ था। कहां से प्रारंभ हुआ, सैनिक असंतोष से आरंभ हुआ और शीघ्र संघर्ष में पहले जन विद्रोह के रूप में व्यापकता प्राप्त की, बाद में इसे राष्ट्रीय विद्रोह का, ये ध्यान में रखना है, अशोक मेहता ने या बेंजामिन डिजरेली ने, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रह चुका है बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। क्या कहा था, राष्ट्रीय विद्रोह। ये नहीं कि आप मान लो अभी तो आपके पास बोर्ड की परीक्षा थोड़ा सत्र लेट हो रहा है शुरू, इसलिए समय कम है, बाकी राइटरों की बुक अच्छी बुकें पढ़ो तब जाके ये प्रश्न अच्छे 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 नंबर प्राप्त किए जाते हैं, पूरे में से पूरे नंबर। तो आपको पता है इसके लिए मैं आपको 10वीं किताब के लिए मैंने SS पाल ग्रोवर की पढ़नी पड़ी, इसके लिए मैंने आधुनिक भारत का परीक्षा वाणी पढ़नी पड़ी और फिर 10वीं किताब, तीनों का मेल मिला के पढ़ोगे नहीं तब नंबर परीक्षा में पड़ जाता। तो बेंजामिन, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दी थी संज्ञा। तो ये भी आपको चीज में कि बेंजामिन डिजरेली ने इसे क्या कहा था, हालांकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था बेंजामिन डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह की क्या दी थी संज्ञा दी थी। उसके बाद में देखिए आप, तो आपको पता है इस राष्ट्रीय विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। सुरेंद्रनाथ सेन सरकारी इतिहासकार, ये ध्यान में रखना, सरकारी इतिहासकार है ये, सरकारी इतिहासकार मतलब 1857 की क्रांति में एकमात्र सरकारी इतिहासकार था, और भी जितने भी इतिहासकार हैं सरकारी नहीं थे, चीज आपको ध्यान में रखना है। सुरेंद्र सेन 1857 की क्रांति के समय में एकमात्र क्या थे, सरकारी इतिहासकार थे, एकमात्र, ये लिख देता हूं मैं, 1857 की क्रांति में एकमात्र सरकारी इतिहासकार। 6 नंबर का प्रश्न आ सकता है यहां से, इसलिए मैं बता रहा हूं विस्तार से,
1857 की क्रांति के समय में एकमात्र सरकारी इतिहासकार, 1857 की क्रांति के समय में एकमात्र 1857 की क्रांति में एकमात्र सरकारी इतिहासकार सुरेंद्रनाथ सेन थे। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। आपको बताया 1857 की क्रांति में एकमात्र सरकारी इतिहासकार कौन हुए थे? सुरेंद्र सान। और सारे जितने भी इतिहासकार हुए निजी इतिहासकार थे। तो इतिहास का लोखा जोखा जो सरकारी इतिहास का जो लेखा इतिहासकार किया, तो 1857 की क्रांति में एकमात्र सरकारी इतिहासकार कौन थे? सुरेंद्र सेन। उसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए सुरेंद्र सेन ने क्या बात कही। देखिए सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा, यह विद्ध धर्म के नाम पर आरंभ हुआ था जो 1857 की क्रांति। बहुत शानदार परिभाषा है, मतलब उन्होंने स्वरूप बताया कि 1857 की क्रांति ये युद्ध के नाम पर तो आरंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर क्या हुआ? समाप्त हुआ। कितनी अच्छी कहा। आपको वो प्रश्न पूछ सकता है कि किस इतिहासकार ने कहा कि 1857 की क्रांति धर्म से आरंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर तब्दील हुआ? किसने कहा? सुरेंद्र सेन ने कहा। तो सुरेंद्रनाथ सेन ने लिखा कि यह युद्ध धर्म के नाम पर आरंभ हुआ और स्वतंत्रता संग्राम में जाकर समाप्त हुआ। डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर, जो आप आपको पता है जिसे काले पानी की सजा मिली गई थी, दो जन्मों की काले पानी की सजा मिली थी। और वीडी सावरकर बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने अभिनव भारत, आप यदि उसको डिफिकल्ट या बारे में और आगे विस्तार से पढ़ोगे वीडी सावरकर का जीवन परिचय, तो अभिनव भारत उनकी क्रांतिकारी संस्था थी। अभिनव भारत की स्थापना हुई थी 1904 में। और अभिनव भारत से पहले एक और क्रांतिकारी संस्था थी जिसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला की स्थापना उन्होंने की थी 1899 में। कहां की थी? नासिक में। तो डॉक्टर विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी पुस्तक भारत का स्वतंत्रता समर, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति, वार ऑफ इंडिया इंडियन इंडिपेंडेंस, या हम कह सकते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये पुस्तक किसकी थी? वीडी सावरकर की थी। और इसी युद्ध को भारत का स्वतंत्रता संग्राम, तो भी वीडी सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कि वीडी सावरकर ने इसे सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की क्या दी थी? संज्ञा दी थी। ये तो हुआ आपका टॉपिक, मतलब स्वतंत्रता संग्राम के स्वरूप। मैंने और भी बताए, सैनिक विद्रोह भी लिख देना। सीले और लॉरेंस ने इसे सैनिक विद्रोह कहा था और बेंजामिन डिजरेल ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था और रिज ने इसे ईसाइयों के प्रति धर्म विरुद्ध कहा था। ये इतिहासकारों की परिभाषा लिख लेना। अब है 1857 की क्रांति के, आपको बताया स्वतंत्रता, वो शानदार टॉपिक है। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संघर्ष, अंग्रेजों की आर्थिक नीति, इसको मैं एक बार पॉइंट बता देता हूँ, उसके कल एक्सप्लेन करेंगे। अंग्रेजों की आर्थिक नीति, आपको पता है अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी, फुट डालो राज करो। और इसी नीति के द्वारा आपको यह भी कहा गया था कि जितने भी भारतीय उद्योग थे उन उद्योगों को उन्होंने चौपट कर दिया, टैक्स बढ़ा दिए। अंग्रेजों ने, मतलब भारतीय लोग टैक्स देने से मजबूर हो गए, टैक्स उन देने का उनके पास अधिकार नहीं था या उनकी आजीविका। जैसे मैं बात करूं 1857 से पहले कुछ व्यवस्थाएं हुई थी कृषि व्यवस्था, जैसे रेतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, इतना टैक्स बढ़ा दिया कि भारतीय लोग देने के लिए क्या हो गए? मजबूर। तो उन्होंने डॉक्टर ऑफ लेप्स आर्थिक सिद्धांत का एक सिद्धांत दिया था, डॉक्टर ऑफ लेप्स, या हम कह सकते हैं दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। भाई आर्थिक सिद्धांत चूसने वाला घाव कहा गया था कि भाई भारत से यहाँ धन बाहर जाता था विदेशों में ब्रिटेन। तो अंग्रेजों की आर्थिक नीति, भारत ने अंग्रेजों ने फूट डालो राज की नीति अपनाई, उद्योग धंधे थे उन उद्योग धंधों को उन्होंने चौपट कर दिया। लॉर्ड डलहौजी का हड़प सिद्धांत, डॉक्टर ऑफ लेप्स में अभी जो चर्चा कर रहा हूँ, लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्टर ऑफ लेप्स का सिद्धांत अपनाया था। सबसे पहले 1848 में इन्होंने सत्तारा को हड़पा था, सत्तारा। उसके बाद में 1849 में इन्होंने संबलपुर, या हम कह सकते हैं जेतपुर संबलपुर, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 1850 में बघाट और उदयपुर को, वो उदयपुर नहीं, हमारे मध्य प्रदेश में उदयपुर, बघाट उदयपुर को, और आपको पता है 1853 में इन्होंने हड़पा झांसी को, और 1854 की यदि मैं बात करूं तो इन्होंने हड़पा नागपुर को, और 1856 की बात करूं तो आपको पता है अवध को इन्होंने हड़पा था कुशासन का आरोप लगाकर। ये आपको ट्रिक से याद करना है,
इन चीजों को आपको विशेष ध्यान रखना है। 1848 में सतारा को, 1849 में जेतपुर संबलपुर को, 1850 में बगाट उदयपुर को, 1853 में झांसी को, 1855 में नागपुर को, 1855 अवध को कुशासन के आरोप पर, इसको बोलते हैं लॉर्ड डलहौजी को हड़प सिद्धांत। बाकी हम चर्चा करेंगे कल वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।